अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस वर्ष सामूहिक रूप से योग करना संभव नहीं है। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एकांत में अपने घर पर अपने पूरे परिवार के साथ योग दिवस को मनाएं और योग जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार हम योगाभ्यास करें। योग के माध्यम से हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थितियों के लिए जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम बदल सकते हैं और इससे परिणामों को बदला जा सकता है। योग दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं सभी को जो है योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि एक प्रोटोकॉल निश्चित किया गया है कि घर पर रहकर ही हमको योग दिवस मनाना है और योग से संबंधित जो भी हमारे आचरण हैं उसमें योग को लेना है, व्यायाम प्राणायाम और ध्यान, ये सब योग की जो क्रियाएं हैं उनका प्रयोग हम करें, अपने जीवन को और अधिक उपयोगी बनाएं। स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए हमें योग का प्रयोग करना चाहिए, योग के अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। यही जो है भारतीय हमारी संस्कृति है, उसकी परंपरा रही है और इसी आधार पर हम अपने जीवन को अधिक उत्कृष्ट बनाते आए हैं और यही मैं कामना सभी से करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रोफेसर राधा बल्लभ सती आप सभी से आग्रह करता हूँ कि विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग दिवस निरंतर मनाया जा रहा है और हमारा उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी योग दिवस मना रहा है। इस बार जो थीम है वो है योग एट होम एंड योग विद फैमिली। मैं आप सभी का से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहते हुए कोविड नियमों का पालन करते हुए निश्चित रूप से योगिक क्रियाएं करें, प्राणायाम करें, आसन करें। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे और आपके शरीर की जो व्याधि क्षमता तंत्र है वो मजबूत होगा और आप अनेक व्याधियों के साथ साथ कोविड से लड़ने में सक्षम हो सकेंगे। इसलिए मेरा विनम्र अनुग्रह है कि 21 तारीख को सभी लोग मिलकर के अपने परिवार के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए योग दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ योगिक क्रियाएं। मैं डॉक्टर नवीन जोशी उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्वस्थ मृत विभाग की तरफ से 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही आप सभी को इस बार के जो स्लोगन है कि घर पर रहकर अपने परिवार के साथ योग करें, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के स्वस्थ मृत विभाग ने ऑनलाइन 18-19-20 का एक अभ्यास सत्र साथ साथ 21 जून को सुबह 7 बजे सामूहिक रूप से वर्चुअल माध्यम से गूगल मीट के थ्रू योग सेशंस का अभ्यास कार्यक्रम रख रहा है, जिसकी मीटिंग आईडी और पासवर्ड आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है। कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इन तीनों दिन आप हमारे साथ अभ्यास सत्र में भी जुड़ें और 21 जून को हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को साथ में अभ्यास करके मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में सहायक प्रोफेसर स्वस्थ मृत एवं योग विभाग में कार्यरत हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष कोविड परिस्थितियों को देखते हुए योग दिवस पर परिवार के साथ घर पर योग करें। योग दिवस पर किए जाने वाले कॉमन योगा प्रोटोकॉल को अपनाएं जो कि गूगल पर भी उपलब्ध है। अन्यथा हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से योग प्रैक्टिस सेशन में दिनांक 18, 19 और 20 जून 2021 को प्रातः 7 बजे दिए गए एड्रेस पर अवश्य जुड़ें और 21 जून को भी प्रातः 7 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव के उपलक्ष्य में जुड़कर इसे सफल बनाएं।